छत्तीसगढ़ में 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला हुआ है, ये आरोप लगाया है भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने। उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी पूरी रिपोर्ट जांच एजेंसियों को भेजेगी और चारा घोटाले की तर्ज पर गौठान घोटाले की जांच सीबीआई से करने की मांग करेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री द्वारा 3 दिन पूर्व की गई छात्र संघ चुनाव संबंधी घोषणा पर सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणा वीर हो गए हैं, चला चली की बेला है, 5 साल तक उनको याद नहीं आया कि छात्र संघ चुनाव करवाएं। आप सभी को मीडिया के सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबके ध्यान में होगा कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 20 मई से एक अभियान चलाया, चलबो गौठान खोलबो पोल। और इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी प्रमुख पदाधिकारी साथी कार्यकर्ताओं के साथ गौठानों का निरीक्षण किया। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने 3948 गौठानों का निरीक्षण किया। सरकार का दावा है कि 9290 गौठान प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, उसमें से 3948 गौठानों का हमने निरीक्षण किया। बस्तर के भी गौठानों का निरीक्षण किया, सरगुजा के भी गौठानों का निरीक्षण किया, सुदूर वनांचल में भी गए, गांव में भी गए और गौठानों का निरीक्षण किया। और हमने सरकार पर 1300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जब हम गौठान में गए तो हमने पाया कि गौठानों में न गाय है, न बकरी है, न मुर्गी है, न वहां पानी की व्यवस्था है, न वहां चारे की व्यवस्था है और न ही गौठानों में किसी प्रकार की कोई गतिविधि संचालित है। अनेक गौठानों में हम पाए कि वहां पर ताला लगा है, गाय को किसी गौठान में मिली ही नहीं। और इस प्रकार से राज्य की कांग्रेस की सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके घोटाला किया। एक घोटाले में सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान किया ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को, सरपंचों को कर्ज में डुबाया, गांव के लिए विकास के लिए हुए आए हुए राशि का दबाव पूर्वक गौठान में लगवाया। वो राशि जो गांव के विकास में लगता, सरपंचों पर दबाव डाला, सरपंच कर्ज में भी डूबे, सरपंच परेशान भी हुए और आज उस गौठान का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गौठान में गाय नहीं है, बकरी नहीं है, मुर्गी नहीं है, राशि का दुरुपयोग हुआ। अलग अलग योजनाओं के राशि का यहाँ पर उपयोग किया गया, चाहे वो मनरेगा की राशि हो, स्वच्छ भारत मिशन की राशि हो, 14वां वित्त का, 15वां वित्त का और AWE की राशि, रूरल मिशन की राशि, DMM की राशि, इन सब राशि का वहां पर उपयोग कराया गया दबाव पूर्वक। और इस प्रकार से दुरुपयोग करके 1300 करोड़ रुपए का घोटाला सरकार ने किया। और जब हम निरीक्षण करने गए तो हमारे साथ हिंसा भी हुई, कांग्रेस के लोगों ने आकर वहां पर गुंडागर्दी की, कई तो फोटो इसके आए, कैमरे के सामने भी कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की और हिंसा किया। गौठानों में गायों के व्यवस्था नहीं होने से शेड की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था नहीं होने से गायों की मौत भी गौठान में हुई है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में
भूपेश बघेल जी के विधानसभा क्षेत्र में अचानक पुरगांव में गायों की मौत हुई, अन्य गांव में भी गौठानों में भी गायों की मौत हुई, क्योंकि गायों के लिए ठीक प्रकार की व्यवस्था वहां पर नहीं है, न पानी की, न चारे की, न शेड की। इस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम आज किसान परेशान है। अमानक वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ 3 बोरा देने का काम सरकार कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। किसानों के खाते से पैसे काटने का काम सरकार कर रही है, इससे किसानों में आक्रोश है, नाराजगी है। एक तरह से ये जो घोटाला है, ये सरकार के नियत और नीति को बताता है। इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाकर लोगों के बीच, प्रदेश के बीच इस तरह से ये प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, घोटाला कर रही है। ये घोटाला चारा घोटाले के समान ही है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस घोटाले की सीबीआई जांच हो, ताकि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे, जनता के विकास के पैसे के दुरुपयोग करने वालों को सजा मिल सके। आज ये सरकार रोका छेका अभियान चलाती है। आप देखेंगे अभी तो सड़कों में चारों तरफ आपको गाय गौवंश लोगों का नुकसान, माल का नुकसान भी हो रहा है। इस सरकार की ये योजना भी पूरी तरह से फेल है, इसलिए ये गौठान घोटाले की सीबीआई जांच हो, ताकि दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घोषणावीर हो गए, चला चली की बेला है। 5 साल तक उनको याद नहीं आई कि छात्र संघ चुनाव कराए, जैसे 5 साल उन्होंने ठगने का काम किया, 4.5 साल जाते जाते भी ठगना चाह रहे हैं। पर ये छत्तीसगढ़ के हमारे युवा, छत्तीसगढ़ के लोग आपको अच्छी तरह से जान गए हैं। आपने धोखा दिया, आपने ठगने का काम किया, फिर से आप पिटारा लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को, छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को, और वो आपकी बात में अब नहीं आने वाले। छत्तीसगढ़ के सभी लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 4.5 साल हर वर्ग को ठगा धोखा दिया, और अब चला चली की बेला में ये कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता भी मानसिक रूप से तैयार है कि ये फिर ठगने के लिए पिटारा लेकर आएंगे, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।